देखते हैं, जिससे बोल्ट के अंदर सुपर पावर आ जाती है और वो एक सुपर डॉग बन जाता है। दरअसल पिया के डैड एक साइंटिस्ट थे जिन्हें डॉक्टर कैलिको ने किडनैप कर लिया था। पिया के पास उसका सुपर डॉग बोल्ट था, इसलिए पिया के डैड ने उससे कहा था कि डरने की कोई बात नहीं क्योंकि तुम्हारे पास बोल्ट है। अब पिया किसी भी तरह अपने डैड को डॉक्टर कैलिको की कैद से छुड़ाना चाहती थी, इसीलिए वो बोल्ट के साथ एक बिल्डिंग के छत पर जाती है, जहां से वो दूरबीन से देखती है कि सामने की बिल्डिंग में डॉक्टर कैलिको ने पिया के डैड को किडनैप करके रखा था और वो उनसे कुछ पूछ रहा था। पिया अपने डैड को बचाने के लिए बोल्ट के साथ उस बिल्डिंग की तरफ निकल पड़ती है, लेकिन रास्ते में ही डॉक्टर कैलिको का एक आदमी पिया को पकड़ने के लिए उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन बोल्ट एजेंट की कार को अपने सर से टक्कर मारकर हवा में उड़ा देता है। पिया जब एजेंट से डॉक्टर कैलिको के लोकेशन के बारे में पूछती है तो वो कुछ भी नहीं बताता, जिस बात पर गुस्सा होकर बोल्ट एजेंट की कार को अपने मुंह में दबाकर एक पुल से नीचे नदी में फेंकने की धमकी देता है। लेकिन तभी